जम्मू कश्मीर में कल हुए आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच में डबल एनकाउंटर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पहला एनकाउंटर कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में हुआ है, सैदा सुहर गांव में हुआ है और इस एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया है जबकि दूसरे आतंकी की तलाश जारी है। और आतंकवाद से जुड़ी हुई ये दूसरी घटना डोडा के छतरगाल इलाके में हुई, यानी कि दो घटनाएं हुई हैं। दूसरी डोडा के छतरगाल इलाके में हुई जहां पर आतंकवादियों ने चार राष्ट्रीय राइफल के जवानों पर हमला कर दिया और आतंकी दो जवानों को जख्मी कर भागने में कामयाब रहे। दोनों ही जगहों पर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कठुआ के हीरानगर एनकाउंटर की जानकारी देते हुए जम्मू जोन के एडीजीपी आनंद जैन ने बताया कि दो आतंकी कल रात को लगभग 8 बजे सैदा सुखाल गांव में पहुंचे थे। आतंकियों ने एक घर पर जाकर पानी मांगा, फिर लोगों को शक हुआ तो किसी तरह पुलिस को खबर दी गई और पुलिस ने जब इलाके में घेर कर आतंकियों को ललकारा तो आतंकवादियों ने फिर हथगोले से हमला कर दिया। एनकाउंटर के दौरान एक आतंकवादी मारा गया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है और उसके गांव में ही छिपे होने का शक है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों ही आतंकी ताजा घुसपैठी हो सकते हैं और एनकाउंटर में ओमकार नाथ उर्फ बिट्टू नाम के ग्रामीण को गंभीर रूप से चोट आई है। अब जो दूसरा एनकाउंटर है वो डोडा जिले के छतरगाल इलाके में हुआ है जहां पर आतंकवादियों ने चार राष्ट्रीय राइफल के चेक पोस्ट पर फायर किया था। इस हमले में दो जवान जख्मी हुए, हमलावर फायरिंग करने के बाद भागने में कामयाब रहे और दोनों ही जगहों पर इस समय सघन तलाशी अभियान चल रहा है। कल रात से ही यह तलाशी अभियान चल रहा है। रियाज से आतंकी हमले के बाद से आतंकवाद से जुड़ी हुई यह तीसरी घटना है। रियासी में घटना और उसके बाद से दो इलाकों में डोडा में और हीरानगर में ये आपको बता दें कि एनकाउंटर हुआ है। इस जगह पर गांव सैद है, ये गांव हीरानगर के थाना के क्षेत्र का है। इस जगह उसके बाद जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपीओ की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन चल रही है। सर होस्टेज वाले भी कुछ खबरें ऐसी अनकन्फर्म रूमर्स इस इलाके में काफी चल रही है कि काफी लोग आहत हुए हैं। तीन उसमें जो सिविलियंस है उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड है लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया। इसके अलावा जो अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन रूमर्स पे ना जाए और हम इसका पहले कंफर्मेशन देंगे उसके बाद ही। छतरगला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का ज्वाइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। सर कहा जा रहा है कि ग्रेनेड्स का हमला भी हुआ है सिविलियंस पर। इसके अभी ये ऑपरेशनल डिटेल्स है सारी तो इसमें अभी फर्दर इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और दूसरे आतंकवादी की सर्च इस इलाके में जारी है। सर क्या लग रहा है फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ब्रिड है? ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ब्रिड है और जो ये हुआ है ये गांव में नमूदार हुए हैं 8:30-8 बजे के आसपास। तीन दिनों में दो हमले हुए हैं सर जम्मू में, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान की बौखलाहट है, किस तरह से आप देखते हैं रियासी के बाद? ये हमारा एक हॉस्टल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च जारी है। आरआर कैंप को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं किया है? छतरगला वाला जी, छतरगला में बेसिकली हमारा डिप्लॉयमेंट है ऑलरेडी तो उसमें 4RR और हमारे पुलिस को नाम लगता है उस पर फायर हुआ है और अभी रिटेलिएट किया गया और एनकाउंटर जारी है। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट कठुआ से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुनील जी भट्ट, दो अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन चल रहे हैं, इन ऑपरेशन से जुड़े हुए जो जो अपडेट्स आपके पास हैं वो आप दर्शकों को दें। जी बिल्कुल राजीव, अगर हम देखें तो पिछले 3 दिन से जम्मू संभाग जो है आतंकी घटनाओं से दहला है। जैसे कि सबसे पहले जो है आतंकी हमला रियासी में हुआ, वहां पर जो हिंदू तीर्थ यात्री है उस पर आतंकवादियों ने जो है हमला किया उनकी बस पर
और दूसरी घटना जो है कल शाम को यहाँ जम्मू संभाग के कठुआ जिले में होती है, हीरा नगर क्षेत्र में। दरअसल यहाँ पर लगभग शाम को 8 बजे के आसपास जो है दो आतंकवादी देखे गए थे और वो ग्रामीणों से, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे उन्होंने पानी मांगा और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को संदेह हुआ कि ये कोई आम लोग नहीं हो सकते हैं, ये आतंकवादी हो सकते हैं। जब उन्होंने उनको पानी देने से मना किया तो अफरा तफरी हुई और आतंकवादियों ने पहले हवा में गोलियां चलाई और बाद में जो वहां पर कुछ लोग थे इसी गांव के उन पर फायरिंग की, जिसमें एक नागरिक जो है यहां का जो एक रहने वाला व्यक्ति है वो घायल हुआ और उसके तुरंत बाद यहां पर मौके पर जो है सुरक्षा बल भारी संख्या में पहुंचे, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, सीआरपीएफ हो, और एक संयुक्त अभियान चलाया गया और एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया जबकि दूसरा आतंकवादी जंगल के इलाके में छिपने में सफल हुआ। लेकिन तब से लगातार अगर हम देखें तो गहन तलाशी अभियान चल रहा है इस पूरे क्षेत्र में। ये जो गांव है यहां पर हीरा नगर में, ये जो है अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से थोड़ा दूर है, लेकिन जो जम्मू संभाग के जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं आनंद जैन, उन्होंने जानकारी दी है कि ये जो दोनों आतंकवादी है ऐसा प्रतीत होता है कि हाल फिलहाल में ही इन्होंने घुसपैठ की होगी अंतरराष्ट्रीय सीमा से। फिलहाल अगर हम देखें यहां पर चप्पे चप्पे पर पहरा है, गहन तलाशी अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय सेना है उनकी कई टीम्स है, यहाँ पर हर एक इलाके को खंगाला जा रहा है। फिलहाल इस गांव को पूरा सील कर दिया गया है और इस गांव में एक एक घर को खंगाला जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं आतंकी किसी घर में छिपा तो नहीं है, कहीं किसी इलाके में छिपा तो नहीं है। और प्राथमिकता यह भी है कि यहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि इन्हीं की सूझबूझ के कारण आतंकवादियों का पता लग पाया यहां के रहने वाले लोगों के कारण, और इन्हीं लोगों ने जो है सुरक्षा बलों को सूचना दी और एक आतंकवादी को ढेर करने में जो सुरक्षा बल सफल हुए। वहीं दूसरी ओर अगर हम राजीव देखें, एक और जो मुठभेड़ है वो जम्मू संभाग के ही डोडा जिले में चल रही है। कल देर रात को ये समाचार आया कि जो डोडा जिला है वहां पर एक जो अस्थाई तौर पर एक सेना का कैंप है उस पर आतंकवादियों ने हमला किया और बाद में वहां पर भी एक मुठभेड़ शुरू हुई। और जो अभी तक जानकारी आई है उसमें ये बात सामने आई है कि दो सैनिक जो है उसमें घायल हुए हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो ऑपरेशन लगातार वहां पर भी चल रहा है, लेकिन राजीव ये काफी चिंता का विषय है कि जम्मू संभाग में आतंकवाद जो है अपना सिर एक बार फिर से उठा रहा है, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में। और अभी अमरनाथ यात्रा भी जो है 29 जून से शुरू होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं सुनील जी बट इसमें कोई दोराय नहीं है कि ये चिंता वाली बात है। आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि ये जो दो आतंकी हीरा नगर कठुआ में बताया जा रहा है, उन्होंने लोगों से पानी मांगा, लोगों को शक हुआ तो लोगों ने पानी नहीं दिया। हीरानगर के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। यो साइड में आज आपने देखा कि मिलिटेंट अटैक हुआ है और वहाँ एक आदमी हमारा जख्मी भी हुआ है। अच्छी बात ये रही कि एक मिलिटेंट्स भी जो है वो मारा गया अभी तक जो सुनने में आ रहा है। एग्जैक्ट खबर तो अभी हमारे तक पहुंची नहीं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि एक जो मिलिटेंट है उसकी भी मौत हुई है, जो अच्छी बात है।